बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें रीड आउट करते हैं। इस यूनिट में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम किसको कहते हैं? एनी नंबर कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट्स, 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। अब यहाँ पे राइट है, कोई भी नंबर हो सकता है, बन सकता है विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स के साथ। अब यहाँ पे ये वो 10 डिजिट्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। दीज नंबर आर कॉल्ड नंबरल्स। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये कहलाते हैं हिंसे, एंड दीज नंबरल्स आर नाउन एज अरेबिक नंबरल्स। और ये जो नंबरल्स हैं हिंसे कहलाते हैं, जाने जाते हैं अरेबिक हिंसों के तौर पर। अब यहाँ पे नेक्स्ट राइट है बेस ऑफ नंबर सिस्टम। बेस ऑफ नंबर सिस्टम किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ डिजिट्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ डिजिट्स शामिल हैं इन अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इज कॉल्ड द बेस ऑफ डैट नंबर सिस्टम, तो कहलाते हैं ये बेस उन नंबर सिस्टम की। इफ़ द नंबर सिस्टम इन्वॉल्व ओनली 2 डिजिट्स, अब यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स हैं जो कि नंबर सिस्टम में शामिल हैं, 0 and 1, देन बेस इज 2, तो यहाँ पे उसकी बेस है 2। अ नंबर सिस्टम इन विच 10 डिजिट, अब यहाँ पे नंबर सिस्टम जिनमें शामिल हैं 10 डिजिट्स, 0 to 9, आर यूज इन अ सिस्टम विथ बेस 10, तो वहाँ पे सिस्टम की बेस है 10। सिमिलरली अ नंबर सिस्टम इन विच 5 डिजिट, अब यहाँ पे वो नंबर सिस्टम जहाँ पे 5 डिजिट्स होते हैं, 0 to 4, आर यूज इज अ सिस्टम विथ बेस 5, अब जहाँ पे 0 से लेके 4 तक डिजिट्स होते हैं वहाँ पे बेस होती है 5। To define number system with base 2, 5, 8 and 10. Number system with base 2, अब यहाँ पे वो number system जहाँ पे base 2 है। A number system formed by 2 digits 0 and 1 is called binary system and its base is 2. अब यहाँ पे जो number system बनाए जाते हैं 2 digits के साथ, 0 and 1 के साथ, वो कहलाते हैं binary system और वहाँ पे base होती है उसकी 2। बी पे यहाँ पे राइट है नंबर सिस्टम विद बेस 5। दिस नंबर सिस्टम इन्वॉल्व्स, अब यहाँ पे इन नंबर सिस्टम में शामिल है डिजिट्स 0, 1, 2, 3 and 4। द लार्जेस्ट डिजिट इज बेस 5, सिस्टम इज 4, यहाँ पे लार्जेस्ट डिजिट्स बेस 5 में होता है 4। नंबर सिस्टम विद बेस 8, द नंबर सिस्टम विद बेस 8 इज कॉल्ड ऑक्टल सिस्टम। अब वो नंबर सिस्टम जहाँ 8 बेस हो ऑक्टल सिस्टम कहलाता है। इन दिस सिस्टम 8 डिजिट्स, अब यहाँ पे इस सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 आर यूज, अब यहाँ पे 0 से लेके 7 तक 8 डिजिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। द लार्जेस्ट डिजिट इन बेस 8 सिस्टम इज 7, अब यहाँ पे बेस 8 में जो लार्जेस्ट डिजिट है वो 7 है। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम इन द वर्ल्ड, अब यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर नंबर सिस्टम है। इन दिस सिस्टम 10 डिजिट्स 0 to 9 आर यूज, इस सिस्टम में 10 डिजिट इस्तेमाल किए जाते हैं 0 से लेके 9 तक। एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर नंबर जाहिर किया जा सकता है एज द सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 10, 10 की पावर के ज़रब के मजमू के साथ, एंड 10 इज कॉल्ड इट्स बेस, और 10 इसकी बेस कहलाती है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं, हमने यहाँ पे तमाम क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1, अब यहाँ पे अमाउंट राइट करेंगे 101 base 2, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे 1, मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ, प्लस नेक्स्ट नंबर राइट करेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ, प्लस नेक्स्ट नंबर राइट करेंगे 1, मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ। अब यहाँ पे पावर्स राइट करेंगे, पावर्स हमेशा आपने 0 से स्टार्ट करनी है, राइट साइड से पावर्स राइट करना स्टार्ट करेंगे। 0 बेस के ऊपर आपने पावर राइट करनी है, 0, 1, 2। अब यहाँ पे इन पावर्स को सॉल्व करते हुए नेक्स्ट राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर को सॉल्व करेंगे 2 to the 4, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 1 the 2,
प्लस वन मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक बात आपने माइंड में रखनी है, अगर बेस की पावर जीरो हो तो वो इक्वल होती है वन के। तो यहाँ पे बेस है टू, टू की पावर है जीरो, तो यहाँ पे ये इक्वल होगी वैल्यू वन के। फोर वन द फोर प्लस जीरो टू द जीरो प्लस वन वन द वन। फोर में ऐड करेंगे वन, यहाँ पे वैल्यू आएगी फाइव, इट इज आंसर। पार्ट नंबर टू, 2044 बेस इज फाइव। अब यहाँ पे राइट करेंगे टू, मल्टीप्लाई करेंगे फाइव बेस के साथ प्लस जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे फाइव बेस के साथ प्लस फोर, मल्टीप्लाई करेंगे फाइव बेस के साथ प्लस फोर, मल्टीप्लाई करेंगे फाइव बेस के साथ। बेस के ऊपर हमने पावर्स को राइट करना है, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो वन टू थ्री इज इक्वल। अब यहाँ पे इन पावर्स को सॉल्व करते हुए राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे टू मल्टीप्लाई फाइव की पावर को सॉल्व करेंगे, वर्किंग में फाइव की पावर को सॉल्व करेंगे, फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल 125। यहाँ पे राइट करेंगे 125 प्लस जीरो मल्टीप्लाई फाइव स्केयर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फाइव मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल फाइव फाइव द 25। यहाँ पे राइट करेंगे 25 प्लस फोर मल्टीप्लाई फाइव वन द फाइव प्लस फोर मल्टीप्लाई, अगर बेस की पावर जीरो हो तो वो इक्वल होती है वैल्यू वन के, तो यहाँ पे राइट करेंगे वन इज इक्वल 125 को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 125 टू द 250 प्लस जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी जीरो प्लस फोर फाइव द 20 प्लस फोर वन द फोर। 250 में 20 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 270, 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 274, 274 इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर थ्री, अब यहाँ पे ये वैल्यू राइट करेंगे पार्ट नंबर थ्री की, यहाँ पे बेस है टू, यहाँ पे राइट करेंगे वन मल्टीप्लाई बेस के साथ टू प्लस वन मल्टीप्लाई टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई टू। अब यहाँ पे इन तमाम नंबर्स के साथ बेस को मल्टीप्लाई कर लिया, बेस पे राइट करेंगे पावर्स, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे राइट करेंगे वन मल्टीप्लाई टू की पावर सिक्स को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वर्किंग में टू की पावर सिक्स को सॉल्व करेंगे, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई करेंगे ये तमाम नंबर्स, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 64। यहाँ पे राइट करेंगे 64 प्लस वन मल्टीप्लाई टू की पावर फाइव को सॉल्व करेंगे, टू की पावर फाइव को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे टू को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव टाइम, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 32। यहाँ पे राइट करेंगे 32 प्लस जीरो मल्टीप्लाई टू की पावर फोर सॉल्व करेंगे, टू की पावर सॉल्व करेंगे, टू को फोर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 16। यहाँ पे राइट करेंगे 16 प्लस वन मल्टीप्लाई टू की पावर थ्री को सॉल्व करेंगे, टू टू द फोर, फोर टू द एट प्लस वन मल्टीप्लाई टू टू द फोर प्लस वन मल्टीप्लाई टू वन द टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे बेस की पावर है जीरो जो कि वैल्यू इक्वल होती है वन के, 64 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 64 वन द 64 प्लस 32 वन द 32 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0 प्लस 8 वन द 8 प्लस 4 वन द 4 प्लस 2 वन द 2 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 0। अब यहाँ पे 64 32 8 4 और 2 को ऐड करेंगे, अब यहाँ पे ये तमाम नंबर्स मैंने वर्किंग में ऐड किए हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 110। यहाँ पे राइट करेंगे 110 इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर फोर, 7016 बेस 8, यहाँ पे राइट करेंगे 7 मल्टीप्लाई बेस के साथ 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8। अब बेस पे पावर्स राइट करेंगे, जीरो वन टू थ्री इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे सेवन मल्टीप्लाई
एट की पावर थ्री सॉल्व करेंगे, एट एट द 64, 64 एट द 512 प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई एट एट द 64 प्लस वन मल्टीप्लाई एट वन द 8 प्लस सिक्स मल्टीप्लाई एट की पावर यहाँ पे ज़ीरो है तो ये वैल्यू इक्वल होगी वन के। 512 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3584। मल्टीप्लाई 64 को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ज़ीरो प्लस 81 द 8 प्लस 61 द 6। 3584 में ऐड करेंगे 8 एंड 6 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3598। इट इज़ आंसर पार्ट नंबर 5 2360 बेस 8 यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 बेस पे पावर राइट करेंगे 0 1 2 3 इज इक्वल यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर को सॉल्व करेंगे 8 एट द 64 64 एट द 512 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 सॉल्व करेंगे 8 एट द 64 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 वन द 8 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 है जो कि वैल्यू इक्वल होगी 1 के इज इक्वल 512 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1024 प्लस 64 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 192 प्लस 68 द 48 प्लस 01 द 0। अब यहाँ पे ये तमाम नंबर्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पे वर्किंग में ये तमाम नंबर्स मैंने ऐड किए हैं तो यहाँ पे वैल्यू आई है 1264। यहाँ पे राइट करेंगे 1264 इट इज़ आंसर पार्ट नंबर 6। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 6 की वैल्यू राइट करेंगे बेस है 2 यहाँ पे राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे बेस पे पावर्स राइट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 सॉल्व करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम। यहाँ पे वर्किंग में 2 की पावर 9 को सॉल्व करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम तो यहाँ पे वैल्यू आई है 512। इसी तरह 2 की पावर 8 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम तो यहाँ पे वैल्यू आई है 256 512 प्लस यहाँ पे राइट करेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 को सॉल्व करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 256 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 को सॉल्व करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 128। अब यहाँ पे राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 32 टू द 64 प्लस यहाँ पे राइट करेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 32 प्लस अब यहाँ पे राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 यहाँ पे राइट करेंगे 16 प्लस यहाँ पे राइट करेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 टू द 4 4 टू द 8 प्लस यहाँ पे राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 टू द 4 प्लस यहाँ पे राइट करेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 1 द 2 प्लस यहाँ पे राइट करेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 है तो ये वैल्यू इक्वल होगी 1 के। 512 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 512 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0 प्लस 128 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 128 प्लस 64 1 द 64
प्लस 32 0 द ज़ीरो प्लस 16 1 द 16 प्लस 8 0 द ज़ीरो प्लस 4 1 द 4 प्लस 2 0 द ज़ीरो प्लस 1 0 द ज़ीरो। अब यहाँ पे ये तमाम नंबर्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पे वर्किंग में ये तमाम नंबर्स मैंने ऐड किए हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 724। यहाँ पे राइट करेंगे 724, इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर सेवन की वैल्यू राइट करेंगे, यहाँ पे बेस है 2। यहाँ पे राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। बेस पे पावर राइट करेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64। तो यहाँ पे राइट करेंगे 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 32 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 टू द 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 1 द 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 है, तो ये वैल्यू इक्वल होगी 1 के। 64 1 द 64 प्लस 32 0 द 0 प्लस 16 0 द 0 प्लस 8 1 द 8 प्लस 4 0 द 0 प्लस 2 0 द 0 प्लस 1 1 द 1। 64 में 8 और 1 ऐड करेंगे, 64 में 8 ऐड करेंगे 72, 72 में 1 ऐड करेंगे 73, 73 इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 8, 3100 बेस 5, यहाँ पे राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5। बेस पे पावर राइट करेंगे 0 1 2 3 इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 सॉल्व करेंगे, 5 5 द 25, 25 5 द 125 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 5 द 25 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 1 द 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 है, तो ये वैल्यू इक्वल होगी 1 के। 125 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 375 प्लस 25 1 द 25 प्लस 50 द 0 प्लस 10 द 0। 375 में 25 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 400 इट इज़ आंसर।